नमस्कार। केंद्रीय कर्मचारियों और राज्य के कर्मचारियों यानी देश के करोड़ों कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी थी आज से 3 दिन पहले मोदी सरकार ने। मोदी सरकार ने EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि, उसका ब्याज दर बढ़ाने का ऐलान किया था और प्रचारित किया कि इससे देश के करोड़ों कर्मचारियों की जिंदगी में एकदम सुखी संपन्नता छा जाएगा, आ जाएगा। तेजस्वी सूर्या बड़े डायनेमिक यंगस्टर हैं बीजेपी के, इन्होंने ट्वीट किया था हाइक इन EPFO इंटरेस्ट रेट टू 8.15% विल बेनिफिट करोड़ ऑफ एम्प्लाइज, यानी करोड़ों की संख्या में कर्मचारियों की किस्मत बदल कर रख दी मोदी जी ने, तकदीर बदल के रख दी मोदी जी ने। लेकिन यही तो खेल है और इसी में तो माहिर हैं हुजूर। आपको मैं दिखाता हूं और आंकड़े आपको बताता हूं कि 7-10 साल EPFO इंटरेस्ट रेट यानी कर्मचारी भविष्य निधि का ब्याज दर कितना रहा है और कितनी बड़ी क्रांति कर दी है मोदी जी ने, जरा समझ लीजिए। और कर्मचारियों फिर देखिए कि आपके साथ कितना आपके हित में काम हुआ है और कितनी आपकी तस्वीर, तकदीर, घर बार बदलने कोशिश हुई है। 2015-16 में 8.80% था कर्मचारी भविष्य निधि का ब्याज दर, 2016-17 में 8.65% हुआ घटा, ये कभी 9.5% भी हुआ करता था। आप कहेंगे चाहेंगे कमेंट बॉक्स में, अगर आप आपकी इच्छा होगी तो मैं बता दूंगा और पहले का, लेकिन मैं इसी सरकार का भी बता रहा हूँ। नहीं तो बार बार ये होता है कि नहीं जी ये उस समय ये स्थिति थी, हमने ये किया वो किया, अभी इन्हीं की हालत सुन लीजिए। जब ये आए, आने के बाद कैसे कर्मचारियों की तकदीर इन्होंने बनानी शुरू कर दी। 15-16 में 8.80% था EPF ब्याज दर, 16-17 में घट करके 8.65% हो गया कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज, 17-18 में और घटा 8.55% हो गया, 18-19 में चुनावी साल था। गौर करिएगा, बहुत ध्यान से गौर करिए, 8.80 से 8.55 तक ले आए 3 साल में, और फिर जब चुनावी साल आया तो जैसे इस बार करोड़ों कर्मचारियों की जिंदगी बदल दी है, उनके घर में कहते ना सब लाइटें बदल दी, उजाला कर दिया, तिजोरी भर दी, तो वैसे ही 2018-19 में जब 19 का चुनाव था तब भरे थे मोदी जी। तो 8.80 से घट के 8.65, फिर 8.55 और 18-19 में 8.55 करके फिर 8.65 कर दिए। चुनाव हो गया, दोबारा सत्ता में आ गए, 2019-20 में 8.65 से सीधे 8.50 यानी 8.5%, जो 8.80% था वो 8.5% पे आ गया। इतना बड़ा ब्याज में गिरावट, ये कर्मचारी समझ सकते हैं कि उनकी भविष्य निधि पर कितना इसका फर्क पड़ा होगा। 2021 में 8.50% ही रहा, फिर 21-22 आया 8.50% से ब्याज दर सीधे 0.40% डिक्रीज कर दिया गया, घटाया गया और सीधे आ गया 8.10%। अब फिर आ गया चुनावी साल, अब तो भैया फिर कर्मचारियों के घर में बारिश करनी थी धन की, धन वर्षा, इस दिवाली धन बरसेगा केंद्रीय कर्मचारियों के घर में, मोदी जी करेंगे बारिश, ऊपर से कांवड़ियों पर पुष्प बरसा, कर्मचारियों पर धन बरसा। चुनावी साल आ चुका है 2022-23, 24 तारीख को, इसी 24 तारीख को EPFO ने इंटरेस्ट रेट 8.15% किया, 0.05% की भारी बढ़ोतरी, ताली बजाइए केंद्रीय कर्मचारियों, केंद्र नहीं सभी कर्मचारी, करोड़ों कर्मचारी, 33 लाख तो केंद्रीय कर्मचारी हैं, राज्यों के कर्मचारी, देश भर के करोड़ों सरकारी कर्मचारी,
एक साथ ताली बजाइए और हाथ दुखे तो थाली बजाइए, क्योंकि 2015-16 में जो ईपीएफ 8.0% था वो भारी भरकम बढ़ोतरी के साथ 8% पर आ चुका है। और अपनी परिपाटी परंपरा, अपनी एक्सपर्टीज, अपनी विशेषज्ञता के अनुसार ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आईटी सेल द्वारा ये फैलाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि मोदी जी ने केंद्रीय कर्मचारियों का ईपीएफ ब्याज दर 8.15% करके, क्षमा कीजिएगा, ये आंकड़ों को करेक्ट करते करते इनकी फरेब का जाल तोड़ते तोड़ते गले में खराश आ जाती है, खांसी आ जाती है। 8.80% जो ईपीएफ ब्याज दर था वो 8.15% पर आकर टिक गया है। मुबारक हो आप लोगों को, ताली बजाइए। कल मोदी जी ने कहा भी है थर्ड टर्म में और करेंगे, अभी जो कुछ बचा है वो सब कर देंगे थर्ड टर्म में। तो थर्ड टर्म आएगा, जो बचा है वो सब कर देंगे और धन बरसा हो सरकारी कर्मचारियों के घरों में, किसानों के खेतों में और बाकी संपूर्ण भारत में, मणिपुर से, जैसे मणिपुर में हो रही है, मणिपुर से मेघालय नागालैंड में शुरू हो गया है। तो मुबारक हो। फिर इनके झूठ के पुलिंदों को लेकर के और उन पुलिंदों की हकीकत लेकर के फिर आऊँगा, अगले ही वीडियो में आऊँगा, चिंता मत करिए, सच तो दिखाऊंगा। नमस्कार।